नमस्कार, नव भारती परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के सिनोनिम्स, इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग्स और कुछ स्पेलिंग्स, और वो भी फैंटास्टिक तरीके से, कुछ मजेदार, कुछ रोचक तरीके से। जी हाँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, पहला भाग और दूसरा भाग अगर आपने देखा होगा, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि बातों ही बातों में, हल्की हल्की छोटी छोटी सी कहानियों के अंदर हम कैसे स्पेलिंग्स को, कैसे वर्ड मीनिंग्स को, उनके सिनोनिम्स को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस स्पेशल कड़ी की ओर। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक, आज की हमारी जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो है बैंकुर, बी ए एन ई एफ यू एल, बैंकुर। और बैंकुर नाम से ही पता लग रहा है, बी ए एन ई, बैन, जो चीज बैन हो चुकी है। पता है बच्चों, बैन किसको करते हैं? जो हमारे लिए क्या होती है, जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। बैन उसी को तो किया जाता है जो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल। तो बिल्कुल बच्चों, एकदम सही पहचान आपने। और बैनफुल का जो सिनोनिम्स है वो है हार्मफुल, मतलब नुकसानदायक। कोई भी चीज जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसे हम क्या कहेंगे, इट्स बैनफुल, इट्स हार्मफुल। ओके, चलते हैं सेकेंड स्पेल्स की ओर। सेकेंड जो हमारी स्पेलिंग है वो है प्लेथोरा, प्लेथोरा, लेथोरा, प्लेथोरा। आवाज क्या आ रही है, लेथोरा। तो बच्चों इसको याद भी ऐसे ही करना है, प्लेथोरा, प्लेथोरा, लेथोरा। इट मींस कई बार देखा होगा, कई व्यक्ति हर चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, जिम में जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, कहीं पर शादी ब्याह में जाएंगे, प्लेट में खूब सारा खाना ले लिया, देखने वाला क्या बोलेगा, भाई इतना खाएगा नहीं। तो ले थोड़ा, क्या बोला उसको, ले थोड़ा। और ले थोड़ा जो है मतलब हम उसको रोक रहे हैं, क्या करने से, एक्सेसिव, ज्यादा लेने से। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा EXCEESSIVE, एक्सेसिव, मतलब अत्यधिक। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेसिव, अत्यधिक, प्लेथोरा। ओके, तो अब हमारी जो स्पेलिंग है वो है REZ। यस बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने, रेज। आपको पता है रेज से बना है रेजर, और रेजर पता है क्या करता है, हमारे जो एक्स्ट्रा जो बाल उग जाते हैं उसको क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है रेजर, क्या करता है रेजर, नष्ट करता है। तो रेज को याद रखने का तरीका क्या है कि रेजर बना दो इसको, ये रेजर का पार्ट है, रेजर क्या करता है, बालों को नष्ट करता है। तो रेज का सिनोनिम्स भी क्या हो गया, डेस्ट्रॉय। रेज का सिनोनिम्स भी क्या बन गया, डेस्ट्रॉय। तो रेज मीन्स नष्ट होना। ठीक है, तो ये हमारी एक और स्पेलिंग तैयार हो गई। अब हमारी स्पेलिंग है वो है वेटरन, VETER, बिल्कुल नाम सुना होगा वेटर का, VETER, वेटरन। अब आपको ये तो पता ही होगा कि वेटर जो लोग हैं, देखो इसमें शब्द क्या पकड़ा हमने, वेटर। ठीक है, और वेटर अनुभवी होते हैं, जो वेटर शादी ब्याह में काम करते हैं उनको काम करने का क्या होता है, अनुभव होता है, अनुभवी होते हैं। तो अनुभवी होने के कारण हमने शब्द क्या लिया, वेटर। बोलो वेटर कैसे होते हैं, वेटर तो अनुभवी होते हैं, तो अनुभवी क्या बोलेंगे हम, एक्सपीरियंस, EXPERIENCED, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी।
तो वेटर लोग कैसे होते हैं? वेटर लोग अनुभवी होते हैं, और अनुभवी से हमने क्या बनाया? वेटर। ठीक है, हमने देखो ये तो मैं आपको याद करवा रहा हूं, हकीकत में याद का मेथड क्या है, हम आपकी जो याद करने की जो स्पेलिंग्स वगैरह कोई भी बिंदु हम याद करें उसको एक बेस दिया जा रहा है, और जब हम उस बिंदु को बेस दे देते हैं, धरातल दे देते हैं, तो वो चीज उस धरातल पे टिक जाती है। आपने बचपन में कह कह गया सीखा होगा, सीधा कह कह गया नहीं सीखा होगा, आपने कैसे कबूतर पढ़ा होगा, तो क्या कह का मतलब हमेशा कबूतर होता है? नहीं, कह का मतलब कबूतर नहीं कमला भी होता है। ठीक है, कह का मतलब कल्याण भी हो सकता है, लेकिन वो बाद में सीखते हैं। हमने शुरुआत में अब जो सीखे थे तो कैसे कबूतर का एक डायग्राम देखा था हमने कि हाँ कैसे क्या होता है कबूतर, तो कबूतर को हमने क्या बनाया? बेस, और कबूतर को बेस बना करके हमने कैसे कबूतर ऐसे बनाना सीखा, उसी प्रकार से हम इन स्पेलिंग्स को सीख रहे हैं। तो बच्चों यहां पर बेस को याद रखें कि वेटर हमारा क्या है? बेस है, और वेटरन शब्द बना है, तो वेटर एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है ये मानना हमें, और एक्सपीरियंस को हमने इसके साथ में सिनोनिम्स के रूप में भी यूज किया है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अनुभवी। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? अनुभवी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने से ना सही तेरे सीने से सही। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, कहने का मतलब यह है कि ये स्पेलिंग जो हमारी जो अंग्रेजी है वो इतनी टफ नहीं होनी चाहिए, इस इंग्लिश को इतने सिंपल वे में पढ़ा जाए कि ये हमको खेल खेल में हंसी मजाक में याद हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने ट्रिक लेके आ रहा हूं, मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य। ठीक है, चलते हैं आगे अगले बिंदु की ओर। हमारी अब स्पेलिंग है वो है ओ आर डी ए आई एन, यस ओ आर डी ए आई एन, ऑर्डन। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है देखो, ओडन। ठीक है, तो ओडन को इसको सिंपल सा बिंदु है, देखो ये ओर, ठीक है, और ये डी ए आई एन, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? दे, और ये क्या हो गया? और दे। तो देखिए हम किसी को आदेश दे रहे हैं, भैया और दे, क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, सी ओ डबल एम ए एन डी, कमांड दे रहे हैं उसको कि मुझे और दे और दे और दे और दे, तो और दे मीन्स कमांड दे रहे हैं उसको, आदेश दे रहे हैं कि मुझे और चीज चाहिए, मुझे और दे, तो हमें याद हो गया और दे मीन्स कमांड। ठीक है, आदेश देना, क्या बोलेंगे इसको? आदेश देना। तो आदेश देने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कमांड यूज करते हैं। ठीक है, और देन भी यूज करते हैं। ओके, अब स्पेलिंग हमारी जो है वो है एब डी केट, एबडिकेट। कैसे याद करना है? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदलना है, थोड़ा सा इसको याद करने के लिए हमको इसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने हैं, आप ए बी आप दी केट को दिक्कत, अब दिक्कत नहीं हो, अब हमें दिक्कत नहीं हो, अब दिक्कत नहीं हो, इसके लिए क्या करें? जिस चीज से हमें दिक्कत होती है उसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। जिस चीज से हमें दिक्कत होती है तो उसे हमें क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, गिव अप। जिस चीज से हमें दिक्कत हो उस चीज को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, गिव अप, त्याग देना। तो अब दिक्कत, कोई भी चीज आपको दिक्कत करती है तो उसको क्या कर दो? त्याग दो। तो अब दिक्कत नहीं हो इसलिए उसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। तो एक और स्पेलिंग हमने बाती बातों में याद कर, चलते हैं अगले स्पेल्स की ओर। रिपोज, आर ई पी ओ एस ई, रिपोज। देखिए अभिनेत्रिया, मॉडल, हीरो फिल्म शूटिंग करते हैं, किसी से शूटिंग करते हैं, बार बार में क्या करते हैं? पोज लेते हैं। तो री, और ये क्या है?
पोज। एक पोज ले लिया, दूसरे पोज के लिए थोड़ी देर रुकते हैं बीच में, और रुकने को क्या बोलते हैं? रेस्ट। एक पोज ले लिया, दूसरे पोज से पहले थोड़ी देर हम क्या हो गए? रुक गए। तो थोड़ी देर रुकने को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट या रिपोज। हिंदी में इसको बोलेंगे विश्राम। क्या बोलेंगे इसको? विश्राम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विश्राम। तो रिपोज, एक पोज के बाद थोड़ा सा रुको, फिर दूसरा पोज तैयार करो। तो क्या हो गया रे? रिपोज। रिपोज मीन्स विश्राम, रेस्ट। यस, ओ बी ई एस ई। देखिए ओबेस, आपने किसी बहुत मोटे व्यक्ति को देखा होगा, और जब भी आपने किसी बहुत मोटे व्यक्ति को देखा होगा तो आपके मन में एक शब्द जरूर आया होगा कि ओ भैंसे। भैंसा होता है ना, भैंसा बहुत मोटा होता है, ठीक है? तो मोटे व्यक्ति के लिए हम ज्यादातर क्या यूज में करते हैं? या तो हाथी का वर्ड, हाथी वर्ड यूज करते हैं, या फिर भैंसा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? तो ओबेस जो है, ओबेस में यहां से भी क्या निकल जाएगा? ओ, और ये क्या हो गया? भैंसे, मतलब ओ भैंसे। देखिए, मेरा उद्देश्य किसी भी मोटे व्यक्ति के ऊपर कमेंट कसना नहीं है। कृपया इसको कोई भी अगर मोटा व्यक्ति देख रहा हो तो कृपया दिल से न लगाए। सिर्फ मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी के दिल को चोट पहुंचाना न हो करके समझाना है बच्चे को, ठीक है? तो कोई भी बच्चा कोई मोटा देख रहा हो या कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा हो तो कृपया उसको बिल्कुल भी दिल से न छुए। और अगर आपके दिल को अगर मेरे इस बात से ठेस पहुंचे तो कृपया माफ करना। यहाँ पर मेरा संबंध केवल समझाने से है। ओ भैंसे, ओ भैंसे, बी ई एस ई, भैंसे, है ना? तो ओ बेस, ओ भैंसे मतलब वेरी फैट, वेरी फैट, बहुत मोटे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ओबेस। और इसी से ओबेसिटी बना है। ओबेस क्या बना है? ओबेसिटी, तो बहुत मोटा। लेकिन याद करने का तरीका, ओ भैंसे, ओ बी ई एस ई, भैंसे, ओ भैंसे मतलब वेरी फैट, बहुत मोटा। ओके, यस, ओ एम आई टी, ओ मिट, ओ मिटा दे, ओ मिट। हम आवाज दे रहे हैं कि ओ क्या कर दे इसको, मिटा, ओ मिटा, है ना? ओ मिट, ओ मिट, मिट यानी क्या होता है? मिटा दे, ठीक है? तो ओ मिट हम कह रहे हैं कि ओ इसको मिटा दे। तो मिटाना क्या होता है? डिलीट करना, डी ई एल ई टी ई, डिलीट। जब किसी वर्ड को डिलीट करना होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओमिट, ओ मिटा दे। क्या कह रहे हैं इसको? तो मैंने इसको क्या कर दिया? मिटा दिया। तो ओ मिट, ओमिट मीन्स डिलीट करना। ओके, अगली हमारी स्पेलिंग है, वो है वीरुलेंट, वी आई आर यू एल ई एन टी, वीरुलेंट, ठीक है? देखिए, वीरु आपको तो पता होगा कि वीरु किसे कहते हैं। वीरु जो है वो वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, और वीरेंद्र सहवाग जब मैदान में उतरता है तो आपको पता है कि छक्के और चौकों की बारिश करता है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत कम गेंद के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक है? जब भी वो मैदान में उतरता तो छक्के चौके के अलावा बात नहीं करता। तो वीरुलेंट दूसरी जो टीम है उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है, हानिकारक सिद्ध होता है, उनके लिए प्राण घातक सिद्ध होता है। इतने जबरदस्त छक्के चौके लगाता है कि सीधे बाउंड्री बाहर जाते हैं, ठीक है? तो आपको याद ऐसे करना है कि वीरु जो है वो दूसरी जो टीम है उसके लिए क्या सिद्ध होता है? हानिकारक। दूसरी टीम के लिए हानिकारक या प्राण घातक सिद्ध होता है, ठीक है? दूसरी टीम के लिए वीरु जो है वो हानिकारक सिद्ध होता है, प्राण घातक सिद्ध होता है, क्योंकि वो छक्के चौके से बात करता है।
तो इसको हम याद करेंगे वीरुलेंट, और इसका सिनोनिम्स होगा DEADLY, 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 मतलब बुरी तरह से, ठीक है, या प्राणघातक। तो ये था हमारा वीरुलेंट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नोमैडिक, NOMADIC, नोमैडिक, नोमैडिक। देखिए नोमैडिक जो है, नो छोड़ दीजिए, इसमें मैड जो शब्द है वो है मैड, मैन शब्द कौन सा है, मैड, और मैड को मैंने कल बताया था, मैड यानी क्या होता है, पागल, और पागल व्यक्ति क्या होता है, घूमता रहता है, पागल व्यक्ति क्या होता है, घूमता रहता है, तो पागल की तरह घूमने वाला, पागल की तरह जो व्यक्ति घूमता रहता है यहां पर मैन शब्द क्या है, मैड। देखिए यहां पर आपको जो है, फिर बता रहा हूं, भावों को समझना है, ठीक है, मैड को पकड़ना है, नो मेडिक, ठीक है, जो पागलों की तरह घूमता रहता है, पागल जैसे व्यक्ति होता है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो यहां पर नोमैडिक का मतलब भी जो है वो है, वो है घूमने वाला, घुमक्कड़, वो क्या है, घुमक्कड़, जो घूमता रहता है, मैड मतलब पागल, जो पागलों की तरह घूमता रहता है उसे क्या बोलते हैं, नोमैडिक। वैसे जो घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग होते हैं, गाड़िया लोहार वगैरह होते हैं, बंजारी वगैरह होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नोमैडिक कहा जाता है, ठीक है। और तो इसका सिनोनिम्स होगा वैंडरिंग, इसका सिनोनिम्स बनेगा वंडरिंग। देखो वैसे तो वंडर होता है, डब्ल्यू एंड ई आर, वंडर ने आश्चर्य चले जाएंगे, आप इसको यहां भी याद कर सकते हैं कि यार हमें आश्चर्य होता है कि वो लोग कैसे रह पाते हैं, कभी कहां रहते हैं, कभी जंगल में, कभी कहां, कहीं कभी कहीं, कभी कहीं, इस तरह से जगह जगह वो घूमते रहते हैं और जगह जगह रहते फिरते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, घुमक्कड़, वंडरिंग, डब्ल्यू ए एन डी ई आर आई एन जी, वंडरिंग, और वंडरिंग मीन्स नोमैडिक। तो ये सिनोनिम्स एंड ये इसका हिंदी अर्थ, और याद करने का बेस क्या है इसका, मे पागल की तरह घूमने वाला। ओके, देखिए अगली स्पेलिंग है हमारी DOL, DRUMS, ठीक है, ढोल, दी रम। देखिए आप, देखिए इसको बहुत सिंपल सा तरीका है, जितने बड़े स्पेलिंग उतना सिंपल तरीका है करने का, ढोल दी रम, डी ओ एल, ढोल, चाय पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, इसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, फैलाने क्या बोलते हैं, फैलाने को रसायन बोलते हैं, ढोल दी, फैला दी। तो यहां पर भी क्या हुआ, एक शराबी था, अब शराबी ने बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसों का जुगाड़ किया, पैसों का जुगाड़ करके और कहीं से रम की बोतल ले आया, अब रम की बोतल लेके आया और जो ही पीने के लिए बैठा कि उसका बेटा आया जो उसको शराब पीने के लिए मना करता था, और उसने आकर क्या किया, उस रम की बोतल को ढोल दी, अब उस रम की बोतल को क्या कर दी, ढोल दी रम, रम को ढोल दी, ढोल दी रम, रम को ढोल दी, तो बताओ शराबी क्या हो गया, शराबी दुखी हो गया, सैड हो गया, बेचारा शराबी क्या हो गया, दुखी हो गया, ठीक है। तो ढोल दी रम, ठीक है, स्पेलिंग हमको याद हो गई, और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, ढोल दी रम्स का, सैड, ठीक है, और हिंदी अर्थ दुखी। ओके, देखिए अगली स्पेलिंग है विविध, ये नाउन के रूप में है, विविध जो है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा विविध भारती, ठीक है, विविध भारती बिल्कुल क्लियर सुना जाता है, बहुत पुराना चैनल है जो रेडियो पे सुना जाता था, ठीक है, विविध मतलब क्लियर,
विविध मतलब क्या है, क्लियर, ठीक है, और हिंदी अर्थ होगा इसका स्पष्ट। जब हम विविध प्रकार की चीजों को देखते हैं तो हमें उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आप ऐसे भी याद करें कि उसका कंसेप्ट हमें स्पष्ट हो जाता है, उसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाता है। किसी भी चीज को आपको समझना है तो उसके बारे में विविध प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो विविध का मतलब यहां पर क्या है, स्पष्ट। ओके, देखिए हम ये हमारी स्पेलिंग है वो है PENSIVE पेंसिल। देखो सो सिंपल है याद करने का, पेन PEN पेन सीव, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर पेन मुंह में लेकर के और बैठे रहते हैं, पेन को सीव यानी चबाते रहते हैं, पेन को मुंह में पेन आप लेकर कुछ सोचते हैं, जब आप पेन को मुंह में लेकर के बैठे रहते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति देखिए क्या बोलेगा आपको, कि आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नाउ यू आर इन थिंकिंग समथिंग, ओके, आप अभी समय कुछ सोच रहे हैं। तो पेंसिव मतलब क्या है, थॉटफुल, THOUGHT, थॉटफुल मतलब विचार मग्न। विचार मग्न, जब एक व्यक्ति मुंह में पेन लेकर के बैठा रहता है, कुछ इस तरह से कंडीशन में बैठा हो या इस तरह से बैठा हो, पेन को कुछ व्यक्ति लगा के बैठ रहते हैं एग्जाम हॉल में, जब कुछ समय याद नहीं आता, पेन मुंह में ले लेते कुछ बच्चे और ऐसे बैठ रहते हैं, तो उसको दूसरे व्यक्ति को देख के लगता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो ये सोचने की मुद्रा है, ठीक है। तो पेंसिव, पेंसिव को याद करने का तरीका भी क्या है कि हम पेन को लेकर के मुंह में उसको सीव कर रहे हैं, चबा रहे हैं उसको, बैठे हैं मुंह में दबा के बैठे हैं। तो पेंसिव मतलब थॉटफुल, मतलब विचार मग्न। तो बच्चों आज हम आज की इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे बताई गई ये विधियां, ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें कमियां हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके द्वारा दिए गए सजेशंस के आधार पर इसमें हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और आपके द्वारा दिए गए सजेशन हमें मोटिवेट करेगा, हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।